नमस्कार, मैं आरती गुड़ और आप देख रहे हैं एचपी न्यूज 24। आइए शुरू करते हैं आज की खास खबर। आज हम पहुंचे हैं बेसना संकुल केंद्र के तहत आने वाले शासकीय माध्यमिक विद्यालय ताजपुरा में। ताजपुरा में 15 दिन पूर्व आए थे जब स्थिति काफ़ी ख़राब थी, लेकिन 15 दिन के बाद काफ़ी सुधार है। यानी कि 1987 की बिल्डिंग है, ये 1987 की बिल्डिंग को भी बेहतरीन बना दिया गया है। शासन से सभी स्कूल में समान राशि आती, कुछ कम ज़्यादा आती, लेकिन करने का तरीका अलग होता है। यहाँ के शिक्षकों से जानेंगे किस प्रकार से इन्हें काम किया, कितनी राशि प्राप्त हुई थी। मध्य प्रदेश में इस वर्ष कई स्कूल हो जाएंगे बंद। इधर कई शिक्षक ने लिया निर्णय, स्कूल नहीं होने देंगे बंद। स्कूल को संवारने में जुट गए शिक्षक। अब राजगढ़ जिले के साथ प्रदेश में ताजपुरा स्कूल का नाम रोशन करने का लिया निर्णय। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले के बेसाना संकुल केंद्र के तहत आने वाले शासकीय मिडिल स्कूल ताजपुरा के शिक्षक इसी स्कूल में पढ़ लिख कर अब इसी स्कूल के शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि ताजपुरा स्कूल में बेहतर रंगाई पुताई कर परिसर को सुंदर बना दिया। आपको बता दें कि इस स्कूल भवन का निर्माण 1987 में हुआ था, जो आज भी शिक्षकों ने बेहतर बना रखा है। देखिए पूरी खबर वडावर से होकम प्रजापति की। जी सर, मेरा नाम अर्जुन सिंह जांगड़े है और मैं यहाँ का प्रभारी शिक्षक हूँ सर। और जैसे कि मैं यहाँ पदस्थ हूँ सर, 15-20 साल से यहीं पदस्थ हूँ। और मेरा ये प्रयास रहता है कि सर मेरा स्कूल सुंदर हो, अच्छा हो, क्योंकि शासन मतलब बहुत मदद करती है, पर कई जगह तो है ना उसका उपयोग नहीं हो पाता है। पर मैंने बहुत शासन की राशि का उपयोग किया और दोनों भवनों का सर थोड़ा प्लास्टर ख़राब था, छत भी ख़राब थी, पानी रिसता था, तो हमने पहले छत का वाटर प्रूफिंग किया, फिर दोनों भवनों का ना प्लास्टर उखड़ा कर इनके ऊपर प्लास्टर करवाया और शौचालय सुधरवाया सर। और ये सब पे ना कलर वलर करके ये बिल्डिंग 1987 की थी, क्या कंडीशन थी पहले? बहुत बेकार थी सर। अच्छा। बहुत बेकार थी, पूरा पानी चूता था इसमें, प्लास्टर उखड़ रहा था, तो सर ऐसा लगता था कि ये मतलब इसे रिजेक्ट करने की स्थिति में थी। पर अब क्या करें सर, हमें क्या है कि भवन का भी ज़रूरत थी, तो हमने इसको पूरी तरह से मतलब जो मरम्मत करवा कर ठीक करवा दिया सर। जी। कितने बच्चे हैं सर यहाँ पे? ये सर यहाँ 1 से 8 तक सर 50 बच्चे हैं। कितने टीचर हैं? हम टीचर में सर 5 जने हैं, ये में 2 तो हम रेगुलर टीचर हैं, अब एक और शर्मा जी आ गए हमारे, तो हम 3 तो रेगुलर हो गए हैं। 4 रेगुलर हैं सर, अब 2 सर नए आ गए, 2 हम पुराने थे, तो हम 4 तो रेगुलर टीचर हो गए हैं। और अभी हमारे साथ अतिथि सर भी हैं, 3 अतिथि, इस तरीके से हम 6-7 हो गए। अच्छी व्यवस्था चल रही है? अच्छी चल रही है सर। यहाँ पे अभी नए टीचर आए, इनसे भी जानेंगे क्या कहना है इनका शिक्षा विभाग को लेकर। मैं गोविंद शर्मा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय ताजपुरा। ताजपुरा स्कूल वैसे ही पढ़ाई के मामले में पहले से ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ के 3 तो MBBS डॉक्टर बने हैं यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़े हुए, और 2 पटवारी बने हैं, और 3 खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय लेवल पर विदेश लेवल पर भी खेल चुके हैं। और यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ के जो प्रभारी है, इनकी जो कार्यशैली है बहुत ही उत्तम है, एवं और जितने भी यहाँ पे टीचर है सभी ही विषय के विशेष विशेषज्ञ है, और यहाँ के कार्य करने की क्षमता है इन्हों में। और यहाँ के जैसे ये बिल्डिंग 1987 में बनी थी, इसकी हालत बिल्कुल ख़राब थी। 1987 स्कूल में पढ़े होंगे? हाँ, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूँ। और अभी स्कूल में पढ़ाएंगे भी? अब पढ़ाएंगे भी इसी स्कूल में। तो ये 1987 में बिल्डिंग बनी थी, 2004-2005 की बिल्डिंगें भी हमने देखी है, वो इतनी जर्जर हालत में है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। जैसे शासकीय प्राथमिक विद्यालय खेड़ा की बिल्डिंग है 2005 में बनी थी, उस स्कूल में अभी तक स्कूल नहीं लगा है, क्योंकि उसकी बनावट ही ऐसी थी। तो वैसे पहले भी ये बिल्डिंग ऐसी बनी थी, पर जो यहाँ के प्रभारी है इन्होंने पूर्ण मेहनत, और जो राशि आई वह राशि तो वैसे कम पड़ती है क्योंकि साज सज्जा में 3 बिल्डिंग है, बाउंड्री है, पर इन्होंने यहाँ की जो स्टाफ है इन्होंने जेब से भी कलेक्शन किया और इन्होंने अच्छा काम किया। और यहाँ पे फुलवारी, बगीचे, पेड़ पौधे, या और तो और ऐसा स्कूल अभी मेरे हिसाब से राजगढ़ ज़िले में नहीं है जहाँ पे बादाम का पौधा भी हो सकता है। यहाँ पे बादाम का पौधा भी है, वैसे सभी वृक्ष हैं यहाँ पे, और इनका काम अति उत्तम है। और हम भी कोशिश ये करेंगे कि इनके मार्गदर्शन में अच्छा से